और साइन 70, तो सूत्र हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 sin A और sin B। पहले यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 sin A और sin B, इसका मान होता है cos A माइनस cos B और cos A प्लस B। तो यहाँ पे sin 70 लिख लेंगे और sin 50 एक जगह, sin 30 और sin 10 एक जगह। यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे और बटे 1/4 संतुलित करने के लिए। इसके बाद 1/4 को ऐसे उतार देंगे। अब होता है 2 sin A और sin B का मान होता है cos A माइनस B और cos A प्लस B। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो cos A 70 और cos B 50। इसके बाद cos A प्लस cos B प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी ऐसे अप्लाई होगा 2 sin A 30 और sin 10 cos 30 माइनस cos 10 cos 30 प्लस cos 10 1/4 ऐसे रहेगा। cos 70 में से 50 जाएगा तो cos 20 आ जाएगा और cos 70 प्लस 50 120, cos 120 का मान होता है 1/2। cos 30 में 10 जाएगा तो आ जाएगा cos 20 और cos 30 प्लस 40 30 से 10 हो जाएगा cos 40 1/4 ऐसे रहेगा। इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 cos 20 + 1/2। और इसमें ऐसे होगा cos 20 को ऐसे कर देंगे और cos 40 को ऐसे। इसके बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 2 cos 20 + 1 ठीक तो है। 2 cos 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 20 से तो हो जाएगा 2 cos² + 20। इसको फिर 2 cos 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 40 से हो जाएगा 2 cos 20 और cos 40। अब एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 20 से तो हो जाएगा cos 20 माइनस के चिन्ह ऐसे। फिर एक को हम cos 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 40 आ जाएगा। इसको 1/8 उतार देंगे। 2 cos² बराबर 1 cos 2a बराबर होता है 1 cos 40। यहाँ पर ये नीचे 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 हाँ वही बक्से में हाँ हो ये हाँ 2 cos² a का मान होता है 1 cos² a 1 cos 2a 1 cos 2a 20 × 40 इसको हम ऐसे रख देंगे 1 यहाँ पर 2 cos² a है तो यहाँ पर 20 स्क्वायर नहीं हो जाएगा 40 20 × 40 स्क्वायर नहीं है 2 है माइनस 2 cos A cos B 2 cos A cos B ऊपर एकदम सूत्र है ऊपर हम जोड़ देंगे 40 40 20 60 40 में 20 गए 20 और इसको ऐसे लिख देंगे धन ऋण से घट गया माइनस cos 40 और प्लस cos 40 को काट देंगे 1/8 आ जाएगा 1 ऐसे रहेगा ऋण का गुणा हां ऋण का गुणा ऋण है तो इसको ऋण कर देंगे और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos 60 है और इसमें जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस cos b और वो प्लस में है इसको प्लस में है तो यहां पर रहेगा और ये इससे कट जाएगा माइनस cos b प्लस cos b दोनों कट जाएंगे 1/8 को हम यहां पर रख लेंगे और cos 60 का मान 1/2 1 नीचे नीचे कोष्ठक के अंदर 1 - 1/2 1/2 हाँ 1 - 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 2 करने 2 में से 1/2 एक में से आधा निकलेगा आधा ही बचेगा 1/8 / 1/2 हो जाएगा 1/2 एक और 8 का 2 में चलो ठीक।